हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल स्टडी प्लस में। आज हम लोग देखेंगे कि जैसा कि थंबनेल में दिया हुआ है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ कैसे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ये छोटा सा वीडियो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर फाइंडिंग एचसीएफ। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा किसे कहते हैं और HCF के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ये सब को हम लोग आसानी से रियल नंबर के चैप्टर जो क्लास 10th का हम लोग क्लियर किए हैं उसमें हम लोग आसानी से एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को क्लियर किए हैं। इसके काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं तो उसको भी जाके आप आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं, और नहीं तो ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा मान लीजिए फ्रेंड, दो इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, ए और बी, देर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, और ये कंडीशन है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, जिसमें जीरो से बड़ा या बराबर होगा आर से बड़ा होगा बी। ओके, हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बड़ा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, एचसीएफ जैसा हम लोग को पता है कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसा इसका नाम ही से पता चलता है कि मान लीजिए कोई एक नंबर है डी, एक पॉजिटिव इंटीजर है डी, ठीक है ना, जो कि डिवाइड्स टू पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी दोनों को डिवाइड करता है ये डी, तो ये डी जो है ये एचसीएफ होगा ए और बी का। ठीक है, काफ़ी आसानी से, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 14 ले लेते हैं। 14 एक ऐसा नंबर है जो 28 और 70, ठीक है, 28 और 70 दोनों को डिवाइड करता है, तो 14 इज दी एचसीएफ ऑफ 28 एंड 70। ओके फ्रेंड, आइए अब हम लोग देखते हैं कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर फाइंड द एचसीएफ ऑफ, तो एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर्स, ये दो नंबर एग्जांपल में लिए, आप लोग कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हैं, और इसमें हम लोग देखना है, सिर्फ क्लियर देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो हम लोग देख रहे हैं 70 इज़ ग्रेटर देन 28, फोकस कीजिए यहाँ पे कि 70 इज़ ग्रेटर देन 28, देन जो बड़ा रहेगा इसको ए मानना है। ठीक है, क्योंकि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्म में हम लोग को बनाना है। ठीक है, और जो छोटा रहेगा इसको क्या मानेंगे फ्रेंड, बी मानेंगे। ठीक है, जो बड़ा रहेगा उसको ए मानना है, जो छोटा रहेगा उसको बी मानना है, आसान है। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपली इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 70 से 28 से 70 को डिवाइड करेंगे, तो 2 से जाएगा 56 और यहाँ पे बचेगा 14, यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर 14 बच गया, यानी कि और प्रोसेस आगे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए जो हम लोग निकलाएँ अभी डिवाइड में वो इस फॉर्म में सेटिस्फाई हम लोग को करना है। ठीक है, 70 इज इक्वल टू 28 इंटू 2 प्लस 14 होता है। ठीक है, अब फिर से हमको, चूँकि रिमाइंडर हमको जीरो नहीं मिला है, तो फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप 2 लिखा हुआ है, आसानी से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगा ये सब। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिवाइजर 28 है, रिमाइंडर 14 है, फिर से हम लोग ये दोनों को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने में हम लोग को मिला है दो बार में 28 जीरो मिला, जीरो इज़ द रिमाइंडर, अब हम लोग को रिमाइंडर जीरो मिल गया, तो हम लोग देखते हैं इस कंडीशन में सेटिस्फाई करके, हाँ ये कंडीशन में सेटिस्फाई भी कर रहा है। ओके फ्रेंड, अच्छा चूँकि रिमाइंडर हम लोग को यहाँ पर जीरो मिल गया है तो हम लोग को प्रोसेस जो है स्टॉप होता है। ठीक है, रिमाइंडर जब जीरो मिला तो हम लोग जहाँ पे डिवाइड किए थे, जैसे कि 28 को किए थे 14 से, तो 2 बार में 28 आके ज़ीरो आ गया था रिमाइंडर, तो इसमें हम लोग को देखना है कि डिवाइज़र कौन था, डिवाइज़र ये था फ्रेंड। ठीक है, तो 14 इज़ द डिवाइज़र ऑफ इन दिस कंडीशन, जब जीरो हमको मिला था। ठीक है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 70 एंड 28 दिस टू नंबर, ये दोनों नंबर के जगह में कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो 14 हम लोग का आंसर यानी एचसीएफ आ गया इस कंडीशन में। ठीक है ना, ओके थैंक्स फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और प्रीवियस जो रियल नंबर का वीडियो है उसको देख लीजिएगा, उसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व है अच्छे से। ठीक है।